नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नया पैटर्न करने का फैसला किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पैटर्न बदलने से सूबे की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव होगा, हमारी इस रिपोर्ट में। बीते 2 सालों में कोरोना की मार बच्चों की पढ़ाई ने भी झेली है। ऑनलाइन क्लासेस ने समय की बचत करना तो सिखा दिया, लेकिन रीडिंग हैबिट को दूर कर दिया। वहीं कोरोना से चरमराई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें 10वीं की परीक्षा में अब एक पेपर बहुविकल्पीय होगा। बोर्ड 2025 से इंटरमीडिएट यानी 12वीं की बोर्ड के पैटर्न में भी बदलाव करेगा, जबकि 10वीं की परीक्षाओं में नया पैटर्न अगले साल से ही लागू होगा। वहीं यूपी में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए अपग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम और बीएससी में अपग्रेडिंग के जरिए ही अंक मिलेंगे। यह ग्रेडिंग व्यवस्था 10 पॉइंट की होगी। हर लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 33% ही रहेगा। छात्रों में तनाव को देखते हुए ऐसा बदलाव किया जा रहा है और ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उच्च शिक्षा विभाग की बैठक के बाद जारी किए गए हैं। सिर्फ पैटर्न में ही नहीं, स्कूलों की व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जाएगा। अगले 100 दिन में सभी GIC व GGIC में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। हर विद्यालय की अपनी वेबसाइट होगी और उनके छात्रों की ईमेल आईडी बनेगी। राजकीय विद्यालय में बायोमेट्रिक से अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अगले साल में प्रत्येक ब्लॉक पर ITI की स्थापना व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग का संचालन शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 9वीं व 11वीं में इंटर्नशिप प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस रोजगार पर शिक्षा के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस